वेल हेलो गाइस, व्हाट इज सेंट्रल सीरीज एक्चुअली? सेंट्रल सीरीज जैसे हमारे पास सोल्यूबल सीरीज थी, सब नॉर्मल सीरीज थी, वैसे एक सेंट्रल सीरीज भी एग्जिस्ट करती है, और सेंट्रल सीरीज भी वैसी ही होती है जैसी ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी सब सोल्यूबल या फिर सब नॉर्मल नॉर्मल सीरीज पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है जी, ठीक है, तो उसके लिए कोई सेंट्रल सीरीज होगी तो वो कैसी होगी? तो पहली बात, मैं यहाँ पे ग्रुप लेके चलूँगा, ग्रुप होगा मेरे पास जी, दैट इज़ अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैं मान के चलता हूँ कि जो जी है उसको मैं नाम देता हूँ जी नोट, ये जी एंड जी नोट बोथ आर इक्वल। और सेकेंडली मैं मानता हूँ कि उसके पास एक और सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होगा जी वन, फिर कोई और होगा उसका नाम होगा जी टू, देन कोई और होगा उसका नाम होगा जी एस एस ऑन। तो इसको मैं मान लेता हूँ इसका नाम है मेरे पास दैट इज जी वन, और उसके बाद आएगा मान लीजिए मेरे पास जी टू, और ऐसा उन चलते चले जाएंगे, और लास्ट पे जो बिल्कुल एंड वाला होगा मेरे पास उसका नाम मैं मान लेता हूँ क्या होगा, जी एम होगा, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हैं, ये सारे सब ग्रुप हैं, और इस सीरीज़ को मैं सेंट्रल सीरीज़ बोलने वाली कि किस टाइप से सीरीज़ बन रही है। ये एक ऐसी सीरीज़ बन रही है जिसमें सबसे पहला क्या है, ग्रुप जी, और देन दैट इज़ इक्वल टू जी नॉट, और जी नॉट में कंटेंट कौन कर रहा है, दैट इज़ जी वन, और जी वन में कंटेंट कौन कर रहा है, दैट इज़ जी टू, और जी टू में कंटेंट कौन कर रहा है, दैट इज़ जी थ्री, एंड एस सो ऑन, और लास्ट पे कौन जा रहा है, लास्ट पे जा रहा है जी एम। ओके, इससे पहले जी एम माइनस वन भी होगा। तो इस सीरीज़ को मैं सेंट्रल सीरीज़ बोलने वाला हूँ। यहाँ पे दो ही कंडीशंस हैं, ओके, ये सेंट्रल सीरीज़ बोली जाएगी अगर, पहली कंडीशन ये है कि जो भी जी आई हैं, जितने भी जी आईज हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, किसके, जी के, ठीक है। सोल्यूबल में कुछ कंडीशन अलग थी, उसमें एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बट यहाँ जितने भी जी आईज हैं वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के, फॉर ऑल आई, ओके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ये पहली कंडीशन एग्जिस्ट होगी। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि जितने भी कोशेंट ग्रुप बनेंगे, किससे, जी आई बाय जी आई प्लस वन वाले, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप कंटेंड करेंगे, कंटेंड किस में करेंगे, जेड, जेड यानी कि सेंटर, किसका, जी बाय जी आई प्लस वन में, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या है। तो जी बाय जी आई प्लस वन जो सेंटर बनेगा उसके अंदर ये सारे जी आई बाय जी आई प्लस वन कंटेंड करने चाहिए फॉर ऑल आई, तब हम बोलेंगे दिस सीरीज जो है ना, ये सीरीज नंबर जो एक है, इस इक्वेशन नंबर वन देता हूं मैं, इज कॉल्ड सेंट्रल सीरीज, इज कॉल्ड सेंट्रल सीरीज। अब आपको पहली कंडीशन तो बड़ी इजी सी समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई, जितने भी ये सब ग्रुप बनेंगे सारे के सारे, चाहे ये है चाहे ये चाहिए, ये सारे के सारे इस जी के नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या करिए, जेड ऑफ जी बाई जी आई प्लस वन की क्या चीज आ गई। देखो दोस्तों, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये जो जी बाय जी आई प्लस वन है और ये जी आई बाई जी आई प्लस वन है, तो जेड का मतलब क्या है, सेंटर। तो मान लीजिए आपने आई की वैल्यू रखता हूँ मैं एक, मान लीजिए आई की वैल्यू वन रख दीजिए, टू रख दीजिए, जीरो रख दीजिए, तो मान लीजिए मैंने रखा आई इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे आपने आई इज इक्वल टू जीरो रखा, तो ये जो मैं सिर्फ सेकेंड कंडीशन को आपको समझा रहा हूँ, ये बन जाएगा जी नॉट और ये बन जाएगा जी वन, और ये कंटेंड करना चाहिए किसमें, जेड ऑफ जी बाय जी वन, यानी कि क्या बन गया ये जी नॉट का मतलब भी क्या है, जी ही होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप बन गया, ये क्वेश्चन ग्रुप कंटेंड कर रहा है इस क्वेश्चन ग्रुप के सेंटर में, यानी कि पहले तो आप ये जो जी बाय, देखिए हमारे पास एक ग्रुप था जी जो हमने बनाया, दैट इज ग्रुप जी, और उसी ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन है, जी वन भी है, ठीक है। तो इसी से आप समझ जाएंगे, ये ऊपर वाला ग्रुप है जी और अंदर वाला कौन है, जी वन, और यही जी आपका जी नॉट भी है क्योंकि ये सीरीज के अकॉर्डिंग हमने लिया। अब जी बाय जी वन अगर बनाते हैं आपको पता है कि एक सेकेंड ग्रुप हम बनाते हैं जी बाय जी वन, इसको बोलते हैं कोशेंट ग्रुप। ये कोशेंट ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे एक डिफरेंट पार्ट में इसको बना देता हूँ, ये बन गया जी बाय जी वन, ओके। अब ये जी बाई जीवन का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ग्रुप मैंने बनाया है जी बाई जीवन, इसका क्या मतलब है कि जो इसके एलिमेंट होंगे,
इसको ऐसे लिखते हैं ना, जो जी के एलिमेंट है वो प्रोड्यूस करें, यानी कि मान लीजिए जी के पास क्या है, एक्स है, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स एंड जी वन, वाई एंड जी वन, ऐसे एलिमेंट होंगे इसके पास, जी बाई जी वन के पास। ओके, अब इस जी बाई जी वन का कुछ सेंटर होगा, यानी कि इसके पास कोई सेंटर एग्जिस्ट करता है। मान लेता हूँ मैं ये कोई सेंटर है इसका, फर्दर इसको बोलते हैं जेड ऑफ, सेंटर ऑफ जी बाय जी वन, सेंटर बन गया। अब सेंटर में जो एलिमेंट आते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो एलिमेंट वही हो सेंटर में आते हैं जो क्या करते हैं, जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि एक फर्दर ये अलग ग्रुप बन गया, और ये एक ऐसा ग्रुप बन गया दोस्तों जिसके पास, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने आपके पास एलिमेंट आया वाई एंड जी वन, एलिमेंट तो ऐसे ही होंगे। अब ये अगर इसके सेंटर में है तो इसका मतलब ये कम्यूट कर रहा है इसके हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि ये जो वाई जी वन है, ये वाई जी वन कम सॉरी वाई वाई जी वन कम्यूट करेगा, हो सकता है एक्स जी वन के साथ, है ना, एक्स जी वन वाई वन ऐसे वाला वाई जी वन, और यानी कि वाई जी वन हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा इस ग्रुप के, तभी तो सेंटर में आया, यानी कि इसका सेंटर क्रिएट कर दिया। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो जी नॉट बाई जी वन है, ये जी नॉट बाई जी वन ही होगा ना, ये जी बाई जी नॉट लिखो चाहे इसको, ये पूरे का पूरा सेट इसमें कंटेन्ड कर जाए, ओके, या इक्वल हो जाए, तो प्रॉपरली कंटेन्ड करे या इक्वल आ जाए, तो जब ये पूरे का पूरा सेट अपने सेंटर में कंटेन्ड कर जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हुई। तो इसमें दो ही पार्ट हैं, पहली प्रॉपर्टी पहली स्टेटमेंट में कि आपका हर एक जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का, और फिर जितने भी क्वोशेंट ग्रुप बनेंगे जी आई बाई जी ए प्लस वन करके, वो अपने से बड़े वाले के जी बाई जी ए प्लस वन के सेंटर में चले जाएंगे। बात क्लियर हुई? तो इस कॉल्ड सेंटर सीरीज, इसको सेंट्रल सीरीज बोलते हैं। मतलब दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, इसके ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने